नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। फ्रेंड्स कहते हैं ना कलयुग के संसार में ढूंढ रहे थे आत्मा, आप जो मेरा वीडियो देखें आप ही मेरे परमात्मा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो पर बने रहे। आज बहुत ही झकास टॉपिक है कि नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो। आप जब किसी फील्ड में निकलते हैं, कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग से आप जुड़े हुए हैं, और जब आप इस सिस्टम को लोगों को प्रमोट करने जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको जेहन में जरूर फिक्स कर लेना चाहिए। इस बिजनेस के बारे में अलग अलग समय में विभिन्न देशों में काफी दुष्टाचार हुआ है। कुछ इस प्रणाली से प्रभावित उद्योग द्वारा किया गया है, कुछ गैर सिद्धांतिक और बेईमान नेटवर्क कंपनियों की वजह से हुआ, और कुछ उन डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से हुआ जिन्होंने अपनी असफलताओं का दोष व्यापार पर मढ़ दिया। ये फिक्स है। जब आप नए लोगों को जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग इस प्रणाली पर संशय करते हैं, इसे घटिया चिट फंड कंपनी का श्रेणी में व्यापार मानते हैं। वे आपकी पेशकश का विरोध करते हैं। उनकी बात को मत काटिए। जो विरोध करते हैं उनकी बात को मत काटिए, उनका विरोध मत कीजिए, उनकी पूरी बात सुनिए और फिर अपने सही तथ्य पेश कीजिए। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पहुंचने से पहले उन तक अफवाहें पहुंच चुकी है, गलत बातें उनके दिल में भर गई हुई है। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस व्यापार में घटिया और सिद्धांतिक कंपनियां नहीं मिली है। उन्होंने उनके दिल पे बहुत विशाल ठेस पहुंचाया है, इसलिए उनके बात को मत काटिए, अपने तथ्य उनके सामने रखिए। आप अपनी सत्य बात उनके सामने प्रणाली के प्रमाण के साथ रख दीजिए। उन्हें तुलना करने दीजिए क्या सही और क्या गलत। जो लाभ वह कंपनी से सीधे उपभोक्ता तक उत्पाद को पहुंचाने में हो रहा है, बीच के चैनल हटाने और विज्ञापन का खर्च बचने से जो आय हुई है, वह आपके खाते में आ जाएगा। ऐसा कहें कि जो खर्च बीच के ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्च हो रहा है और एडवर्टाइजमेंट में जो भी खर्च हो रहा है, वो सारे पैसे बच करके आपके खाते पे जाएंगे, ऐसा उनको बोले। यह चिटफंड नहीं है, यह सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा बनाए गए मानकों पर कार्य करती है, ऐसा बोले उनको। यह पिरामिड स्कीम भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में से एक एमबे को अपने शुरुआत में दौर में मीडिया और फेडरल ट्रेड कमीशन को दिक्कतों को सामना करना पड़ा था और आपत्तिजनक बातें सुनना पड़ा था। एमबे ने इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया। 4 साल की जबरदस्त कानूनी जीरा के बाद 1989 में नेटवर्क मार्केटिंग को एक वैधानिक और कानूनी मान्यता प्राप्त बिजनेस घोषित कर दिया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों और नियमों को निर्धारित किया गया। आज दुनिया के अधिकांश देशों में यह मान्यता प्राप्त व्यापारिक प्रणाली में सिद्ध हो गया और लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है जो चिट फंड करके लोगों को चले जाते हैं, लेकिन आपको पूरे गौर से देखना, प्रमाणित उनका सर्टिफिकेट देखना है, वो क्या बिजनेस कर रहा है, आपसे कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर आपसे पैसे मांगता है ज्वाइनिंग के एवज में, तो ये मनी रोटेशन ही है और कुछ नहीं है। मनी रोटेशन के अलावा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। दो टाइप की कंपनियां भी चल रहा है इस पूरे वर्ल्ड में, सर्विस टाइप और एक प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो आप जो पैसे दे रहे हैं उसके एवज में आपको सामान मिल रहा है उतना वैल्यू का कि नहीं, और सर्विस में जो आप पैसे दे रहे हैं उतना का आपको सर्विस मिल रहा है कि नहीं, ये जरूर अपने मापदंड पर तौलिए उसे। अगर फिक्स होता तभी इस टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़िए, अन्यथा आप मत जुड़िए। आप सजेस्ट कीजिए लोगों को, आप पूछिए, आप हमसे पूछिए, हम भी आपको बताएंगे किस टाइप का भी मार्केटिंग चल रहा है इस वर्ल्ड में, कौन सा सिस्टम से जुड़ना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग मुझे सजेस्ट करते हैं, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे, हम आप सिस्टम से जुड़ने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज के वीडियो के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल का।